नम हवा, बादलों की आवाजाही और अब बर्फबारी के बाद ठंड की रफ्तार बढ़ गई है। लाहौल घाटी में बर्फबारी के बाद तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अस्पतालों की ओपीडी में सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश और कफ की समस्या को लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। तापमान में गिरावट का क्रम लगातार जारी है। ऐसे में जरा सी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है, जिसके लिए सभी को सावधानी बरतनी होगी। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अचानक हुई तापमान में गिरावट के चलते हो रही बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कमर कस ली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोशन लाल ने लोगों को ठंड से बचने की हिदायत दी। डॉक्टर ने लोगों को ठंड से बचने का नुस्खा बताया। स्वास्थ्य विभाग जो है इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है। आजकल हमारे डिस्ट्रिक्ट में खासकर बर्फ भी पड़ी है थोड़ी बहुत और मौसम काफी ठंडा हो गया है, तो ऐसे में मतलब आपका कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, जुकाम जिसको बोलते हैं, वायरल बीमारियां होती है जो बहुत कॉमन हो जाती है और लोगों को खांसी जुकाम वगैरह होने लगता है, तो इससे लोगों को बचाना हमारा काम है और हम लोगों में अवेयरनेस भी फैलाते हैं कि भी कैसे हम इनसे बच सकें, क्योंकि जितने भी वायरल हमारे डिजीजेज होते हैं इनका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, लेकिन जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करने से हम इनसे बच सकते हैं, जैसे कि बहुत ठंड में ना जाएं, अच्छे वार्म कपड़े पहने, पानी उबाल के पिए और बहुत सारा पानी पिए, अगर किसी को इन्फेक्शन हो ही जाता है तो वो अंदर रहे, अच्छा डाइट लें और खूब सारा पानी पिए। इन्हीं चीज़ों से 2-3 दिन के अंदर जो है ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे वायरल डिजीज़ हैं ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होते हैं, इनका ज़्यादा दवाई लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप जो है 3-4 दिन के अंदर जो है ठीक हो जाते हैं। वहीं लोगों को हिदायत देने के साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के पास दवाइयां पर्याप्त मात्रा में होने का भी दावा किया, जिससे ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की पुख्ता तैयारियों के चलते लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। सूर्य समाचार के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल की रिपोर्ट।